student, welcome to all. Hope you all are well. Today we are going to start our new topic, ideal and non-ideal solution. What is the ideal solution? Bachcha, aap logon ne 11th class mein padha hoga. Ideal gas, non-ideal gas. Padhi hai na apne ideal gas, non-ideal gas. Usme kya tha jo gases log ko follow karti thi? Wo kya thi? Ideal gas. Jo gases log ko follow nahi karti thi, wo kaise thi? Non-ideal gas. अब हम सॉल्यूशन की बात करें, एटलीस्ट सॉल्यूशन आइडियल, हम जनरल बात करते हैं आइडियल की। जैसे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई सबको अपने घर में रहना है, स्टे होम, सोशल गैदरिंग नहीं करनी। जो लोग इन बातों को फॉलो कर रहे हैं वो हुए आइडियल, जो फॉलो नहीं कर रहे हैं वो क्या है? नॉन आइडियल। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की कौन रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं? मिस्टर राउंड। कौन बनाते हैं? मिस्टर। कौन बनाते हैं? मिस्टर राउंड। अब जो राउंड लोग, ये जो राउंड लोग है, जो राउंड लोग को फॉलो करेगा वो है हमारा आइडियल सॉल्यूशन, जो फॉलो नहीं करेगा वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ऐसा क्यों? ये राउंड लोग को फॉलो क्यों नहीं करेंगे और ये फॉलो क्यों करेंगे? तो हम बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। भाई आपने ये लिया, इसमें कोई भी प्योर लिक्विड ले लिया, एक हमने दूसरा लिक्विड लिया, इसमें लिया लिक्विड थी, ठीक है। इसके मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल, इसके मॉलिक्यूल क्या हो गए आपके? बी बी मॉलिक्यूल। और इन्होंने मिलकर बना लिया ए बी। क्या बना लिया? ए बी। तो ए के मॉलिक्यूल्स भी आएंगे, बी के मॉलिक्यूल्स भी आएंगे, ए के मॉलिक्यूल्स भी आएंगे, बी के मॉलिक्यूल। ये मैंने आपको बताया था कब, यही बताया था। और मैंने बताया था राउंड क्या कहते हैं, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर उसके कंपोनेंट थे, यानी पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल होता है। ये बात हमने करी थी प्रीवियस लेक्चर में, ठीक। अब कौन लोग इसे फॉलो करेंगे, इस बात को कौन मानेंगे? जो लोग मानेंगे वो हो गए हमारे आइडियल सॉल्यूशन, और जो नहीं मानेंगे वो क्या होंगे? नॉन आइडियल। जो इस चीज को फॉलो करेंगे वो आइडियल, और जो फॉलो नहीं करेंगे वो क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहला तो ये पॉइंट रहता है, द सॉल्यूशन विच फॉलो ग्राउंड लॉ और द कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। ओके, तो अब आइडियल सॉल्यूशन क्यों? देखिए आपको बताया था वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस अगर किसी के बीच में इंटरैक्शन ज्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। इंटरैक्शन कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक। अब हमने ले लिए एक हमारा लिक्विड है ए ए, इनके बीच में इंटरेक्शन है, दूसरा लिक्विड है हमारा बी बी, इनको हमने मिक्स कर दिया और हमने बना दिया ए बी, ठीक ठीक। अगर मेरा, मैंने क्या करा, मैं लैब में प्रैक्टिकल कर रही हूँ, मैंने आपको पता है किससे निकालते हैं प्रेशर, किससे निकालते हैं? मैनोमीटर से। पता है आप लोगों को, प्रेशर मैंने ऑब्जर्व करा, क्या करा? ऑब्जर्व करा मैंने प्रेशर। ये किसके बराबर है? पी नॉट ए एक्स से, ये राउंड बोलते हैं, ये क्या बोलते, कौन बोलता है? राउंड बोलता है। पी नॉट बी एक्स बी, ये कौन बोलता है? राउंड लो। राउंड लो के अकॉर्डिंग जो हमने ऐड करा वो वैल्यू, और जो हमने ऑब्जर्व करके निकाली मैनोमीटर से वो वैल्यू अगर इक्वल आ गई तो इट मीन सॉल्यूशन क्या है हमारा? आइडियल है। यानी जो वैल्यू हमने निकाली एक्सपेरिमेंट से वो, और जो हमने राउंड लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करी, अगर वो दोनों वैल्यू सेम आ गई तो इट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। ओके, इट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। अब ये कैसे आ सकती है? ए ए इंटरेक्शन, अगर इनके बीच का इंटरेक्शन और इनके बीच का इंटरेक्शन इक्वल होगा इसके इंटरेक्शन के, इसका मतलब पहले भी उतने ही बॉन्ड थे, अब भी उतने बॉन्ड है, ना तो कोई न्यू बॉन्ड बना है, ना कोई न्यू बॉन्ड, मतलब कोई अट्रैक्शन फोर्स ना तो कम हुई है ना अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हुई है, जितनी अट्रैक्शन फोर्स पहले थी उतनी ही अट्रैक्शन फोर्स अब है, तभी इसकी वैल्यू इन दोनों के टोटल वैल्यू की सेम आएगी। जब
इसका इंटरेक्शन इक्वल टू इसके इंटरेक्शन के होगा। बात समझ में, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर AA का इंटरेक्शन मतलब इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जो सॉल्यूशन बना उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर सेम है तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। अगर वो अट्रैक्शन सेम है तो वेपर प्रेशर सेम आएगा, और वेपर प्रेशर सेम आएगा तो इट मीन्स इन दोनों का टोटल इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये राउंड लॉ को फॉलो कर लेगा, और जब ये राउंड लॉ को फॉलो कर लेगा इट मीन्स ये क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन। एक बात ठीक, दूसरी बात करते हैं। अब ए ए बी बी को न्यू बॉन्ड बनाने, ए बी से बॉन्ड बनाना है ठीक, तो उसे क्या करने पड़ेंगे, अपने बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना होगा, तभी तो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ए ए को आपको मैंने पहले ही बता दिया, जब भी कभी बॉन्ड तोड़ते हैं तो एनर्जी क्या होती है रिक्वायर्ड होती है ठीक, और जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, बल्कि एब्जॉर्ब भी होती है। एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ठीक। अगर ये एब्जॉर्ब हुई एनर्जी और का सम रिलीज हुई एनर्जी के सम के इक्वल आएगा, यानी ये हो गया आपका अगर डेल्टा एस निकालो मिक्सिंग का, तो ये क्या हो गया फाइनल, डेल्टा एस फाइनल, और ये क्या है डेल्टा एस इनिशियल। अगर इसको अगर ये दोनों चीजें सेम है तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो। भाई जितनी एनर्जी हमने दी उतनी एनर्जी से सॉल्यूशन बन गया, देने वाली भी सेम, रिलीज होने वाली भी सेम, दोनों सेम, दोनों की वैल्यू सेम। जब दोनों की वैल्यू सेम होगी तो क्या होगा, अगर उनका डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, जीरो। यानी अगर डेल्टा बी मिक्सिंग सॉरी डेल्टा एच मिक्सिंग अगर जीरो है तो इट मीन सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल। अब आते हैं तीसरी बात पर, तीसरी बातें कहते हैं, देखो अगर इसका इंटरेक्शन सेम है, इसका इंटरेक्शन भी सेम है, और इन दोनों का इंटरेक्शन भी सेम आता है, तो क्या होगा भाई, अगर कोई चीज एक जगह पर है वो उसी डिस्टेंस से दूसरी जगह पर रहेगी, यानी इनके बीच में इतना इंटरेक्शन रहेगा, इतनी डिस्टेंस रहेगी, इनके बीच में भी इतनी डिस्टेंस रहेगी, यहाँ पर भी इतनी डिस्टेंस रहेगी, तो जो वॉल्यूम आएगा, यानी इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2, वो क्या हो जाएगा, V फाइनल के बराबर हो जाएगा। अगर मैं डेल्टा V मिक्सिंग का मिक्स करने पर V फाइनल और इनका टोटल क्या हो गया, V इनिशियल, अगर ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये भी एक आइडियल कंडीशन है ठीक। इसके बाद जनरल कंडीशन, ये आइडियल नहीं होती पर हर सॉल्यूशन में होती है। अगर मैं दो लिक्विड को एक साथ मिला दूं तो उनके बीच में क्या बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी, उनके बीच में रेंडमनेस बढ़ जाएगी, क्या बढ़ेगी, रेंडमनेस बढ़ जाएगी। जब भी रेंडमनेस बढ़ती है तो क्या बढ़ती है, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। मैंने एग्जाम्पल 11th क्लास में भी दिया था, अगर एक इंसान को गरम गरम कढ़ाई में बिठा दो तो उछलने लगेगा, छोड़ कढ़ाई का, गर्मी का दिन है, एक इंसान को बिना लाइट फैन के अंदर कमरे में बंद कर दो, भागेगा वो, निकलेगा, चिल्लाएगा कि मुझे निकाल दो, मुझे गर्मी लगेगी, यानी उसकी बेचैनी बढ़ जाएगी, उसकी एक्टिविटी रेंडमनेस बढ़ जाएगी, तो यानी क्या बढ़ेगी, एंट्रोपी। क्या होती है, सिस्टम की रेंडमनेस को क्या बोलते हैं, उसकी एंट्रोपी बोलते हैं। तो याद रखो किसी भी सॉल्यूशन की एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो ठीक, आइडियल हो चाहे वो सॉल्यूशन आपका नॉन आइडियल हो ठीक। अब मैं आइडियल के पूरे रूल्स लिख देती हूँ। आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या बोल सकते हैं हम, द सॉल्यूशन विच फॉलो ओबे राउंड लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। पहली कंडीशन, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, P ऑब्जर्व या P टोटल, P नॉट A x a जीटा, P नॉट B
एक्चुअली। ठीक, दूसरी कंडीशन ये कहते हैं कि ए ए इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नंबर थ्री क्या कहते हैं, डेल्टा एच मिक्सिंग हमेशा क्या होना चाहिए, चीप होना चाहिए। और नंबर फोर डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। पेपर में आ रखा था 2017 में आइडियल कंडीशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या है और उसकी कंडीशन, तो ये कंडीशन है, आइडियल सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर लेंगे, देन उसकी कंडीशन हो गई। और एंट्रोपी जनरल चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो हमेशा क्या होगी, जीरो से क्या होगी, हमेशा ज्यादा यानी कि पॉजिटिव होगी। अगर मैं गिब्स एनर्जी की बात करूं तो वो हमेशा क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। इतनी बात समझ में आई, ये हमारे हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल की। अब विच द सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो, बस क्या आ जाएगा, डू नॉट फॉलो ड्राउट लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी ये और ये चीजें क्या होंगी, इसके लिए ऑब्जर्व वैल्यू अलग आएगी, जो हम टोटल करेंगे वो वैल्यू अलग अलग आएगी, जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो वैल्यू अलग आएगी, जो हम टोटल करेंगे वो वैल्यू अलग आएगी। इसका मतलब इनका इसका इंटरेक्शन इसके इंटरेक्शन के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब दो मॉलिक्यूलों के पहले भाई, इनके पहले क्या थे, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग थे, दोनों बहुत मजबूती से एक थे, जब टूटे तो बॉन्ड क्या हुए, स्ट्रांग नहीं बने। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा अपने पुराने स्कूल में पढ़ता है, एक हमारे स्कूल का, ठीक है, दोनों को हम किसी इंस्टीट्यूट में भेज देते हैं पढ़ने के लिए, एक किसी और स्कूल से एक किसी और स्कूल से। इनका अपने स्कूल से बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन जब ये हम नई जगह आए वहाँ अच्छा नहीं लगा, तो वहाँ से बॉन्ड इनका क्या बन गया, वीक बन गया। तो इंटरेक्शन में फर्क हो गया, अगर वहाँ भी बिल्कुल सेम एटमोसफेयर होता तो क्या होता, आइडियल होते। लेकिन अब इन्हें क्या लग रहा है, पुरानी जगह की याद आ रही है कि वही जगह अच्छी थी, तो ये चीज़ क्या हो गई आपकी, ये आपका क्या हो गया, इंटरेक्शन चेंज हो गया। या फिर उल्टा हो सकता है, एक इंसान को अपना पुराना एटमॉस्फेयर पसंद नहीं आया था, वो नई जगह गया, उसका बॉन्ड वहाँ स्ट्रांग बन गया। यानी इनके बॉन्ड वीक थे, इसके भी बॉन्ड वीक थे, लेकिन यहाँ आने पर बॉन्ड क्या हो गए, दोनों मिले, इनके बॉन्ड क्या हो गए, स्ट्रांग हो गए, तो ये इंटरेक्शन बढ़ गया। हो सकता है ये इंटरेक्शन ज्यादा हो ये कम हो, ठीक, और हो सकता है ये इंटरेक्शन ज्यादा हो ये कम हो। तो यानी किसी भी कंडीशन में ये चीज इक्वल जब नहीं होगी तब वो सॉल्यूशन होगा आपका नॉन आइडियल। कैसा होगा, नॉन आइडियल। डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगी, नॉन जीरो। कैसे बताती हूँ, देखो ए का इंटरेक्शन अभी क्या है, वीक है, बीबी का इंटरेक्शन भी वीक है, यानी एनर्जी हमें कम देनी पड़ रही है, हमें एनर्जी क्या देनी पड़ रही है, यहाँ पे कम देनी पड़ रही है, लेस देनी पड़ रही है, ठीक, कम देनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ जो बॉन्ड बन रहे बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बन रहे, तो एनर्जी क्या होगी, हाईली रिलीज होगी, तो ये वैल्यू कम हो गई, ये वैल्यू ज्यादा हो गई। यानी अगर हम डेल्टा एच मिक्सिंग निकालें तो फाइनल की वैल्यू तो क्या है हमारी, हाई है, और इनिशियल की वैल्यू हमारी क्या है, लो है। तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल कर ही आएगी, जो भी आएगी वो पॉजिटिव में आएगी नेगेटिव में आएगी बाद में बात करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू तो निकल कर आएगी आएगी। इसका मतलब वैल्यू जीरो तो नहीं हो सकती, वैल्यू क्या नहीं हो सकती, जीरो तो नहीं हो सकती। फिर अगर उल्टा हो जाए, ये इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग हो पर ये इंटरेक्शन क्या हो जाए, वीक हो जाए, ये तो स्ट्रांग है और लेकिन ये क्या हो जाए, वीक हो जाए, इसकी कंपैरिजन में उल्टा हो जाएगा, ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हाई, तब भी वैल्यू माइनस में आए लेकिन आएगी जीरो नहीं आएगी, जीरो नहीं आएगी। इसका मतलब सोल्यूशन क्या है आपका, नॉन आइडियल। तो डेल्टा एफ मिक्सिंग नॉन आइडियल के लिए कभी भी जीरो नहीं होगी। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, अगला कंडीशन है वॉल्यूम। वॉल्यूम भी इसके लिए कभी जीरो नहीं होगा, मतलब अगर मैंने इसके वी वन लिए और इसके वी टू लिए तो ये नॉट इक्वल टू वी थ्री होगा, क्योंकि ये कैसी बात है मैम, आपने तो आज तक ये कराया एक सॉल्यूशन वन एक सॉल्यूशन दोनों पर ऐड कर दो, क्योंकि अब तक हम सब काम कर रहे थे आइडियल के लिए, अब हम पढ़ रहे हैं नॉन आइडियल के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं, नॉन आइडियल के लिए। क्यों भाई, इसका इंटरेक्शन इस समय इसका इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, इसका इंटरेक्शन भी स्ट्रॉन्ग है, मॉलिक्यूल टाइटली हेल्ड है दूसरे से, जुड़े हुए हैं टाइटली, ठीक। यहाँ इंटरेक्शन हो गया वेव, तो क्या हो गया, दूर हो गए, पहले टाइटली हेल्ड थे, देखो ऐसे मेरे हाथ को देखो, टाइटली हेल्ड थे, वॉल्यूम इतना था, अब लूजली हेल्ड हो गए, वॉल्यूम बढ़ गया, पहले इतना वॉल्यूम ले रहे थे अब वॉल्यूम इतना हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया,
तो यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, यानी पहले दोनों के वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, या जस्ट वाइस वर्सा, इसका जो इंटरेक्शन था वो क्या था, आपका वीक था, ये इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया, पहले मॉलिक्यूल इतनी दूर दूर थे लेकिन अब जब इंटरेक्शन हुआ पास हो गए, तो पहले वॉल्यूम इतना था अब इतना हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो डिक्रीज हो पर जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, यानी इसका मतलब अगर मैं डेल्टा वी निकालू तो डेल्टा वी फाइनल माइनस इनिशियल ये ज्यादा होगा तो भी कुछ वैल्यू होगी, ये ज्यादा होगा तो भी कुछ वैल्यू होगी, लेकिन जीरो नहीं होगा, दिस कंडीशन इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बोलो इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई अच्छी तरह, ठीक क्लियरली समझ में आई। चलो अभी आइडियल की बात करते हैं, नॉन आइडियल की बात थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब आइडियल का मैं ग्राफ बनाती हूँ, ठीक, इसका बना ग्राफ बना रहे हो भाई आइडियल सॉल्यूशन, ठीक, कंडीशन आपने नोट कर ही ली थी, चारों कंडीशन थी, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। यहां इस साइड लेते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक, और इस साइड लेते हैं वेपर फ्रैक्शन, ठीक। अब दो मैंने ये लिए, फॉर एग्जांपल यहां पर एक्स ए वन है, आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन, अगर एक वन है तो दूसरा क्या होगा जीरो, तो यहां पर आपका एक्स बी क्या आ जाएगा जीरो, ठीक। यहां पर एक्स ए जीरो है तो एक्स बी क्या हो जाएगा वन, ठीक। अब क्या होगा, ये वन है, ठीक, और ये जीरो है, एक्स ए जीरो है, जीरो से धीरे धीरे एक्स ए बढ़ना शुरू होगा, बढ़कर कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, और इसे ये प्योर स्टेट अकेला है तो इसे बोलेंगे p नॉट a, ऐसे यहां x भी जीरो है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा और बढ़कर देखो ये पहुंच जाएगा आपका p नॉट a। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन आएगा मैम ये ऊपर होगा या नीचे, ऐसा नहीं, मुझे नहीं पता, a भी ऊपर हो सकता है b भी हो सकता है, ये मैंने अज्यूम किया है, ये दोनों में हो सकता है, दोनों बराबर भी हो, लेकिन ऐसा कम होता है, एक का प्रेशर ज्यादा होगा एक का प्रेशर कम होगा, ए का ज्यादा हो सकता है बी का ज्यादा होता है, हमें ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करना था, मैंने बी ज्यादा ले लिया, कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि ए को ज्यादा ले रखा बी को कम ले रखा है, तो ये ग्राफ है, दोनों में से कोई भी ज्यादा हो सकता है कोई भी कम हो सकता है, एक हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करी है, ठीक। ये हो गया पी नॉट बी, अब जब हम इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे हम मिलाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा पी एस यानी सोल्यूशन, ये किसके बराबर हो जाएगा, भाई देखो ये क्या है पी ए, तो क्या होगा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ये क्या है आपका पी बी, पी नॉट बी इक्वल टू सॉरी पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और ये क्या हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, ठीक। आइडियल ग्राफ है ये और ये इंटरेक्शन इस इंटरेक्शन के बराबर थे इसीलिए वैल्यू इक्वल है, सब कुछ इक्वल है, ठीक, ये ग्राफ। अब कौन एग्जांपल क्या पेपर में वन मार्क्स में या ऑब्जेक्टिव में आपके एग्जांपल भी पूछे जा सकते हैं, एग्जांपल क्या, देखो आइडियल सॉल्यूशन में इंटरेक्शन सेम हो सकता है, सेम होगा, या तो आपके दोनों जो आप सॉल्यूशन के सॉल्वेंट और सॉल्यूटर दोनों ही पोलर हो, दोनों ही नॉन पोलर हो, ऐसा ना हो एक पोलर हो एक नॉन पोलर हो तो इंटरेक्शन हो जाएगा, दोनों ही नॉन पोलर हो या दोनों ही पोलर हो, जैसे कि एग्जांपल मैंने यहां ले लिया एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, अब क्या है एन हेप्टेन, ये भी नॉन पोलर ये भी नॉन पोलर, भाई इनके बीच में पहले भी कोई इंटरेक्शन था, जब मिला देंगे तो भी कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो ये क्या होगा एक एग्जाम्पल। दूसरा अगर मैं ले लूं मीथेनॉल प्लस इथेनॉल, पहले भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे बाद में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, पोलैरिटी दोनों की क्या है सेम है। दूसरी बात पोलैरिटी का ये भी देखना है कि जो नंबर ऑफ कार्बन या जो भी हो आसपास हो साइज भी क्या हो सिमिलर हो ज्यादा डिफरेंस ना हो, जैसे मैंने मीथेनॉल और इथेनॉल ले लिया, ऐसा ना हो मैं ये ना ले लूं मीथेनॉल और मैं प्रोपेनॉल, ये नहीं होगा आइडिया, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चेंज हो जाएगा, वंडरवर्ल्ड फोर्सेस कुछ तो चेंज हो जाएगी, तो लगभग एक जैसे हो, ये दोनों नॉन पोलर थे
ये दोनों ही पोलर हो गए, ये होता है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेकर पूछ ले जाते हैं, इसलिए आप कितने एग्जांपल याद करोगे? अगर आपसे कहा याद है तो कोई भी दो एग्जांपल, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आपको अपना दिमाग लगाना होगा कि कौन से होंगे। ठीक, अगर मैं ले लूँ C2H5Cl प्लस C2H5Br, Cl और Br में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, दैट्स व्हाई ये हो सकता है। पर मैं C2H5I और Br Cl वाले के लिए ले सकती हूँ, डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद मैं ले सकती हूँ बेंजीन, क्या ले सकती हूँ मैं बेंजीन प्लस क्या ले सकती हूँ टॉलिन, बेंजीन और टॉलिन दोनों ही क्या है नॉन पोलर है। तो ये सारे एग्जांपल हैं हमारे किसके नॉन सॉरी आइडियल सॉल्यूशन के, सारे एग्जांपल किसके हमारे आइडियल सॉल्यूशन के। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आइडियल सॉल्यूशन, आप लोग इसे समझिए, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है इसके एग्जांपल आपको याद करने बहुत जरूरी है, अगर एग्जांपल नहीं याद करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो अब हम करते हैं नॉन आइडियल, आइडियल हो गया हमारा, अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल की, जो कहना नहीं मानते, जो क्या नहीं करते, कहना नहीं मानते, जो राउंड लॉ को फॉलो नहीं करते। मैंने बताया था सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो राउंड लॉ एट ऑल कंडीशन ऑल कंसंट्रेशन एंड टेंपरेचर इज कॉल्ड नॉन आइडियल। ठीक है, तो बात हो गई थ्योरी में लिखने की, लेकिन आइडियल में भी मैंने दो तरीके बताए थे, या तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का इंटरेक्शन ज्यादा होगा या सॉल्यूशन का इंटरेक्शन होगा, दो कस भरे, तो ये भी टू टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है नेगेटिव डेविएशन, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है नेगेटिव डेविएशन। ठीक, तो हम वन बाय वन दोनों को पढ़ेंगे, ये कौन सा पॉजिटिव डेविएशन है और कौन सा नेगेटिव डेविएशन है। तो नंबर वन नॉन आइडियल लिखते हैं, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ठीक, पहले हम बात कर रहे हैं ऐसा सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव का मतलब प्लस, प्लस का मतलब हर चीज ग्रेटर देन में होगी, इसमें होगी ग्रेटर देन में, इसका मतलब जो मेरा फॉर्मूला है पी ऑब्जर्व, ये ग्रेटर देन होगा किसके पी नॉट ए एक्स ए प्लस, अभी मैं समझ रही हूँ क्यों होगा इसे डिटेल में अभी करेंगे, पी नॉट डी, भाई मुझे तो यही समझ में आ रहा है पॉजिटिव का मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग, ये भी मेरी कैसे होगी पॉजिटिव होगी, यानी कि क्या होगी डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो होगी, वी मिक्सिंग भी क्या होगी मेरी पॉजिटिव होगी, इसका मतलब क्या होगी वी मिक्सिंग भी क्या होगी ग्रेटर देन जीरो होगी, ये तो मतलब हुआ। अब इंटरेक्शन की बात करें, ए इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन इज ए बी इंटरेक्शन। ठीक, इंटरेक्शन भाई इनका इंटरेक्शन किसका ज्यादा होना चाहिए, अब तक हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन का, लेकिन थोड़ी देर पहले हमने राउंड में पढ़ा था वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं कह रही हूँ इसका सॉल्यूशन का, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देती हूँ, अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा है, अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी कम होगी, भाई अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी कम, तो इसका मतलब इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी कम होगी, इन दोनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी हाई होगी, इनकी इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इनकी इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी लो होगी। आप समझ में आई, अट्रैक्शन क्या होगी लो होगी, तभी तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तभी तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, नहीं एक बार समझ में, चलो मैं अब मैंने ऐसे लिख दिया, मैं एक बार बताती हूँ, इसे मैं ऐसे लिख देती हूँ ए ए ए बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू सॉरी ए ए प्लस बी बी। ठीक, अब मैंने कहना है कि ये वाली जो वैल्यू होगी ये आपकी क्या होगी लेस देन, क्यों, क्योंकि पी नॉट इसका क्या है ग्रेटर देन है, इसका पी एस क्या है ग्रेटर देन है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, क्यों, अगर ये पी एस ज्यादा है, पी एस ज्यादा है तो
तो जो इंटरेक्शन होगा क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इनका ज्यादा होगा क्योंकि इनका वेपर प्रेशर कम है। देखो वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट मीन्स अगर इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इसका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। यानी इसका मतलब एक ऐसे सोल्यूशन होंगे जो पहले तो जिनमें अच्छी खासी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा लेकिन सोल्यूशन बनाने के बाद उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई, जैसे बताती हूँ। यानी ऐसे सोल्यूशन होंगे जिनमें पहले तो बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगा लेकिन जब हम सोल्यूशन बना देंगे तो उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई सबके? ठीक, अब यानी इसका मतलब ए ए ए भी लिख दूंगी आपका सुनिए, आपको कंफ्यूजन ना हो। ए ए प्लस बी बी, ये इंटरेक्शन क्या होगा, लो होगा, और ये इंटरेक्शन क्या होगा आपका, हाई होगा। ठीक, जब ये इंटरेक्शन लो होगा और ये इंटरेक्शन हाई होगा तो इसका मतलब आपका पी एस की वैल्यू इधर ज्यादा होगी, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स ए, इंडिविजुअली अलग अलग जो हम निकालेंगे वैल्यू वो भी अलग आ जाएगी, तो क्या होगी, पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए और पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। यानी इंडिविजुअली ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी क्योंकि इंटरेक्शन बाद में चेंज हो गए। इंटरेक्शन में दोनों पी ए कब आता है, पी ए कब आता है, जब हम दोनों को मिला देते हैं। जब ये अकेले अकेले हैं तब तो ये पी नॉट है लेकिन जब दोनों को मिला दिया तभी तो पी ए और पी बी आएगा। कल बताया था भाई दोनों को मिलाने पे तो कम हुआ, अकेले अकेले तो प्योर स्टेट में है, फिर तो उनका क्या होगा, पी नॉट ए सेम होगा। जब दोनों को मिला दिया तो ए का वेपर प्रेशर क्या है, पी ए, बी का क्या है, पी बी, तो ये क्या होगा, जब मिलाने पर इंटरेक्शन चेंज हो गए तो पी ए ज्यादा होगा, पी बी भी ज्यादा होगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी में ज्यादा था, ए बी में अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। इतनी बात समझ में है? अब बात करते हैं एंथैल्पी में। इसका मतलब पहले यहाँ पर जो एनर्जी हम दे रहे थे यानी जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे थे उसकी वैल्यू, भाई ये इंटरेक्शन मजबूत है, कोई चीज मजबूत है लकड़ी से, तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगे, कोई हल्की सी एकदम टूट जाएगी, तो ये अट्रैक्शन क्या था, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था, तो इसे तोड़ने के लिए हमें एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये अट्रैक्शन वीक है तो जब वीक चीज को बनने में भी एनर्जी क्या होगी, रिलीज कम होगी, तो यानी रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, और रिलीज एनर्जी क्या होगी, लो होगी। तो इट मीन्स जब ये एनर्जी यानी इनिशियल एनर्जी ज्यादा है, फाइनल एनर्जी क्या है, कम है। तो डेल्टा एच देखते हैं, डेल्टा एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। ठीक, फाइनल की एनर्जी का मतलब होता है जो एनर्जी रिलीज हुई, रिलीज का मतलब वैल्यू होती है नेगेटिव। ठीक, ये वैल्यू कैसी है आपकी, रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। ठीक, ये वैल्यू हो गई आपकी लो, ये वैल्यू हो गई हाई, तो आंसर किसमें आएगा, पॉजिटिव में। किसमें आएगा, पॉजिटिव में। किसमें आएगा वैल्यू, आपकी आएगी वैल्यू पॉजिटिव में। ठीक, डेल्टा एच मिक्सिंग फाइनल की वैल्यू किसमें होती है, नेगेटिव में होती है। इनिशियल की वैल्यू किसमें, जो एनर्जी, देखो जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो पॉजिटिव है, जो रिलीज हो रही है वो नेगेटिव है। आपको 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी पॉजिटिव होगी, एनर्जी रिलीज होगी नेगेटिव होगी। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब की वैल्यू ज्यादा है और रिलीज की वैल्यू कम है, तो इस केस में वैल्यू क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी। तो यानी डेल्टा एच मिक्स भी क्या होगा इसका, डेल्टा एच मिक्स भी आपका होगा पॉजिटिव। मीन्स डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो से ज्यादा। अब बी की बात करते हैं, पहले इनका इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, पहले मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच थे ऐसे करके सारे मॉलिक्यूल, लेकिन फिर क्या हुआ, मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन कम हो गया। तो पहले वॉल्यूम, पहले मॉलिक्यूल क्या थे, टाइटली हैंड थे, अब क्या होंगे, लूज हो जाएंगे। जब लूज होंगे दूर दूर हो जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी पहले वॉल्यूम क्या था, पहला वाला वॉल्यूम क्या था,
कम था। बाद वाला वॉल्यूम क्या हो गया? ज्यादा हो गया। डेल्टा वी फाइनल माइनस इनिशियल। अब वाला वॉल्यूम दूर दूर हो गया मॉलिक्यूल तो वॉल्यूम क्या हो गया? हाई। पहले वॉल्यूम एक दूसरे के मतलब टाइटली हेल्ड थे तो वॉल्यूम क्या था? लो। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन ठीक। तो ये कंडीशन होती है किसके लिए? पॉजिटिव डेविएशन के लिए। क्वेश्चन आता है पॉजिटिव डेविएशन के लिए, आप क्या बताएंगे? पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है सॉल्यूशन प्योर कंपाउंड का इंटरेक्शन मोर देन सॉल्यूशन के इंटरेक्शन से। ये बात आपको याद रखनी है। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हाई होगा और कैलकुलेट वेपर प्रेशर से ठीक। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, बहुत अच्छी तरह याद रखनी है ठीक। अब हम इसका भी बनाते हैं ग्राफ। हम इसका ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं इसका ग्राफ भी सेम ग्राफ बनेगा ऐसे। यहाँ पर क्या ले रहा हमने? वेपर प्रेशर। और यहाँ हम ले रहे हैं मोल प्रेशर ठीक। यहाँ पर क्या है? एक्स ए वन है, एक्स बी जीरो है। यहाँ पर क्या है? एक्स ए जीरो है, एक्स बी वन है। अगर मैं आइडियली देखूं तो आइडियली यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? पी नॉट। और अगर मैं इसे देखूं ये होगा पी नॉट ए। जैसा आइडियली था इन दोनों को मिला देंगे तो ये हमारा सोल्यूशन बन जाएगा पी एस ठीक। ये था आइडियल आइडियल सोल्यूशन के लिए। लेकिन अब क्या होता है इसमें? क्या होता है? इनका वेपर प्रेशर, पीबी का वेपर प्रेशर मैंने बताया था। पीबी का वेपर प्रेशर, पी नॉट एक्स बी का वेपर प्रेशर क्या होता है? कम होता है किससे? ऑब्जर्व से। पीबी से क्या होता है? कम होता है। पीबी क्या है? ग्रेटर देन है पी नॉट बी एक्स बी से। यानी पीबी की जो वैल्यू आएगी, जो रियल वैल्यू है, वो इस वैल्यू से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ज्यादा का मतलब ये ग्राफ ऐसे ठीक है, ये ग्राफ ठीक ऐसे जाएगा। अब ऐसे ही क्या है? P नॉट A एक्स ए क्या है? लेस देन है किससे? P A से। यानी P A की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। ये ग्राफ भी ऐसे जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा ठीक। अब तो जब ये ग्राफ ऊपर जा रहा है तब ये वैल्यू जो ये वैल्यू क्या आ रही? ज्यादा आ रही है। तो ऑब्वियसली पी एस तो ऑलवेज ज्यादा आएगा किससे? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये वैल्यू क्या होगी? इससे और ज्यादा होगी। ये वैल्यू क्या होगी? ये भी ग्राफ क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो जो ये वैल्यू होगी ये किसकी वैल्यू है? पी नॉट ए पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए। ये वैल्यू क्या है? पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। और ये क्या है? पी एस ग्रेटर देन किससे होगा? P not A X A plus P not B X A। सारी वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन है। क्यों? क्योंकि पहले इंटरेक्शन ज्यादा था, बाद में इंटरेक्शन कम हो गया। अब इसकी बात करते हैं, इसके एग्जांपल की। इसमें क्या है? दो सॉल्यूशन लेंगे, एक पोलर होगा जनरली और एक क्या होगा? नॉन पोलर होगा। फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूं इथेनॉल, इथेनॉल के साथ मैंने ले लिया NH। पहले इसको समझते हैं, ग्राफ रब कर रही हूं, आपने नोट कर लिया होगा ठीक। इथेनॉल और एनएक्स, ये आपको पता है इथेनॉल क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड करता है। आप लोगों को पता है ये क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। क्या बनाता है? ये होता है पार्शियल नेगेटिव, ये होता है पार्शियल पॉजिटिव। और ये आपका क्या करता है? ऐसे पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, वो तो आपको वैसे पता है। इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो कई सारे इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। कई सारे इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। आप भाई एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। कौन से बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा।
ये कई सारे मॉलिक्यूल आगे और ये एक्स और होगा और आगे तक चला जाएगा। एक्चुअली मैं बनाना ऐसे चाहिए था, अगर मैं चेन लंबी बनाना चाहूँ तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। यहाँ लिखूंगी सी टू एच फाइव नॉन पोलर पार्ट, यहाँ लिखूंगा एच, ये आ गया पार्शियल पॉजिटिव। फिर मैं आगे चलती हूँ, यहाँ ओ, यहाँ आया सी टू एच फाइव नेगेटिव, यहाँ पे एच, ये आगे बनाएगा। और इसको भी मैं इसी तरह लिख दूँ, आगे तक बनाते रहेंगे। बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये अकेला था हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता था, इसका इंटरेक्शन था। अब मैंने इसमें एन हेक्सेन मिला दिया, क्या मिला दिया, एन हेक्सेन, जो इसके हाइड्रोजन बीच के बीच में था। ये आ गया आपका क्या, आपका सी सिक्स एच फोर्टीन, ये आ गया, इनके बीच के इंटरेक्शन खत्म हो गए। यहाँ आ गया सी सिक्स एच फोर्टीन मॉलिक्यूल बीच बीच में आ गए, जिसकी वजह से इनके हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो गए। पहले हाइड्रोजन बॉन्ड थे, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ साथ थे, लेकिन अब बीच में कोई और आ गया, जैसे ये मेरे हाथ ऐसे हैं, इनके बीच में मैं मार्कर कर दूँ तो ये क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो इनके बीच में देखो, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे थे, लेकिन बीच में आ गया साइक्लोहेक्सेन। जब ये साइक्लोहेक्सेन आ गया तो क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन आ गया आगे, तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो गए, टूट गए, ब्रेक हो गए, यानी इसका इंटरेक्शन क्या हो गया, कम हो गया। पहले इंटरेक्शन ज्यादा था, वेपर प्रेशर कम था, कल ही बताया था, लेकिन आज क्या हो गया, आज हमारा क्या हुआ, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो इंटरेक्शन क्या हो गया, कम हो गया, तो वेपर प्रेशर बढ़ गया। यानी पहले जो वेपर प्रेशर आना था पी ए, पहले जो पी ए ग्रेटर देन हो जाएगा इसके पी नॉट ए एक्स ए, कैसे, ये इथाइल एल्कोहल का मिलाने के बाद वेपर प्रेशर है, और ये पहले का वेपर प्रेशर है, ठीक है, ये आफ्टर सोल्यूशन और ये बिफोर सोल्यूशन। तो देखो पहले इथाइल एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, तो वेपर प्रेशर क्या था, कम था, क्या था, कम। लेकिन अब क्या हो गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गए, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया। ऐसे सेम बात होगी बी के लिए, तो इसी तरह से जब दोनों मिल जाएंगे तो जो टोटल होगा पीएस, उसका भी इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, उसका भी पार्शियल प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा, क्या होगा, पार्शियल प्रेशर हाई हो जाएगा। तो ऐसे सोल्यूशन शो करते हैं, कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। बोर्ड में क्वेश्चन आया था इथेनॉल एंड एनहेक्सेन कौन सा डेविएशन शो करते हैं, एक्सप्लेन कीजिए, जो आपको एक्सप्लेन करना होता है डेविएशन को। अगला इसकी एग्जांपल, एक पोलर एक नॉन पोलर, तो एग्जांपल लिखते हैं सीसीएल फोर प्लस सीएससीएल थ्री, ये क्या है नॉन पोलर, ये क्या है पोलर, ठीक। इसके बाद हमारा अच्छा एग्जाम्पल होता है एसिड के साथ वॉटर लेते हैं, कोई भी एसिड जैसे एससीएल प्लस H2, HCl नहीं, HCl नहीं, सॉरी इथेनॉल और वाटर, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बीच में आ जाएगा, बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी, ठीक। इथेनॉल एसीटोन, ठीक, कई सारे एग्जांपल आ जाएंगे, इथेनॉल एसीटोन, यानी कंपाउंड इस तरह से करने आपको, ठीक। तो समझ में आया आपको पॉजिटिव डेविएशन, इसके एग्जांपल यहाँ पे एक पोलर और एक नॉन पोलर, एक पोलर और एक नॉन पोलर, ठीक। अब हम इसके बाद करते हैं सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, जो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करता है। नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव का मतलब है जो आपका पीएस होगा वो कम हो जाएगा, किससे, पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी, यानी जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो वैल्यू तो ज्यादा है, लेकिन जो आपने निकाली वो वैल्यू कम है। इट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा, अगर वैल्यू प्रेशर क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स के क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब अगर पीएस मेरा कम आ रहा है तो यानी बाद में इंटरेक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब एबी का जो इंटरेक्शन है, एबी का जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा है किससे, ए ए प्लस बी बी से, एंड ये इंटरेक्शन क्या है, ये वाला इंटरेक्शन क्या है आपका, ये इंटरेक्शन आपका क्या है, हाई है। क्यों हाई है, क्यों हाई है, इसका मतलब पहले इनमें कोई बॉन्ड नहीं बन रहे होंगे, लेकिन जब आपने दोनों को मिला दिया तो कोई ना कोई
वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया जब बाद में इंटरेक्शन बढ़ गया। जब इंटरेक्शन बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, ऑटोमेटिकली कम हो गया। ठीक, अब देखो इंटरेक्शन अब क्या हो गया, हाई हो गया। तो जब इंटरेक्शन हाई है तो उसको ब्रेक करने में एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा निकलेगी, यानी डेल्टा एच मिक्सिंग, यानी एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। तो ये जब एनर्जी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, हाई रिलीज होगी लेकिन देनी पड़ेगी हमें लो एनर्जी। तो यानी दी हुई एनर्जी हमारी क्या है, रिलीज एनर्जी नेगेटिव, देने वाली एनर्जी पॉजिटिव। ये वैल्यू हाई है, रिलीज एनर्जी ज्यादा क्योंकि इंटरेक्शन अब स्ट्रॉन्ग हो गए, पहले इंटरेक्शन क्या थे वीक थे, ये एनर्जी क्या है हमारी लो है। तो नेगेटिव बड़ा है, पॉजिटिव छोटा है, तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। यानी डेल्टा एच मैक्स में जो हमारा होगा वो क्या होगा बच्चा, वो हमारी वैल्यू होगी क्या कि नेगेटिव, यानी कि लेस देन जीरो से कम होगी। कैसी होगी, लेस देन जीरो। ठीक, अब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, पहले मॉलिक्यूल क्या थे, एक दूसरे से दूर 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 थे, लेकिन क्या जब मिला गया तो इंटरेक्शन बढ़ गया, इंटरेक्शन का मतलब अट्रैक्शन बढ़ गया, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो पहले क्या थे, लूजली हेल्ड थे, अब क्या हो गए, टाइटली हेल्ड हो गए, तो एक दूसरे के पास आ गए। इसका मतलब जो डेल्टा वी मिक्सिंग था, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, फाइनल वॉल्यूम में क्या हो गया, एक दूसरे के पास हो गए, फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, लो हो गया, और इनिशियल वॉल्यूम क्या था, ज्यादा था। अब आप मुझे बताओ, कम चीज छोटी चीज में से बड़ी चीज को माइनस करें तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। इसके लिए डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है आपका, नेगेटिव डेविएशन के लिए नेगेटिव होता है, यानी डेल्टा वी लेस देन जीरो। इसका मतलब अगर मैंने कहा मेरे पास दो लिक्विड है ए एंड बी, ए एंड बी दोनों को जब मैंने मिलाया, 10 ml ए के मिलाए, 10 ml मैंने बी के मिलाए, ठीक, 10 ml मैंने ए के मिलाया, 10 ml मैंने बी के मिलाया, जो मुझे रिजल्टेंट वॉल्यूम आया वो मेरे पास आया 19.8, यानी रिजल्टेंट क्या हो गया, आना चाहिए था 20 से क्या हो गया, कम हो गया। तो कौन सा डेविएशन शो करेंगे, कौन सा डेविएशन, वॉल्यूम कम हुआ है इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन। मैंने कहा मेरे पास एक 50 ml है, दूसरा 50 ml है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन मेरा आ गया 101, यानी वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो कौन सा डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन है, कौन सा डेविएशन है, पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब रिएक्शन हो गई एक्सोथर्मिक, और पॉजिटिव का मतलब होता है एंडोथर्मिक। मैंने दो सॉल्यूशन को मिलाया और मेरा सॉल्यूशन गर्म हो गया, हीट हो गया, तो बताइए कौन सा डेविएशन है। अगर सॉल्यूशन मेरा हीट हो गया है, गर्म हो गया है, तो कौन सा डेविएशन है, नेगेटिव। और दो को मिलाने के बाद अगर मेरा सॉल्यूशन ठंडा हो गया, कोल्ड हो गया, तो कौन सा डेविएशन है, पॉजिटिव। ये क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में ऑब्जेक्टिव, कि दो सॉल्यूशन को मिलाया और जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन था उसकी प्रॉपर्टी क्या होती, काफी कूल थी कंपैरिजन टू प्रीवियस सॉल्यूशन। तो कौन सा डेविएशन शो करेगा, आपका डेविएशन शो होगा नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। कूल हो गया तो पॉजिटिव, यानी कि एंडोथर्मिक, और अगर हीट अप हो गया यानी एक्सोथर्मिक, यानी कि नेगेटिव डेविएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम, चलिए इसका ग्राफ बनाकर देखते हैं। इसका हम ग्राफ बना लेते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं इसका ग्राफ। सेम वही, यहां पर क्या लिया हमने, वेपर प्रेशर, यहां हमने लिए मोल फ्रैक्शन। ठीक, ये x से 1 है, यहाँ x भी 0 है, सेम यहाँ x a 0 है, यहाँ x भी क्या है, 1 है। अगर मैं आइडियल कंडीशन को देखूं, तो ये कैसे जाएगा, ये है पी नॉट बी आइडियल, और ये क्या है पी नॉट ए, और ये हो गया आइडियल ग्राफ। तो ये कहता है, लेकिन अब क्या हुआ, जो आपका ऑब्जर्व वेपर प्रेशर था ए का, वो क्या हो गया, कम हो गया, किससे, पहले वाले से, जो आपने कैलकुलेट किया उससे वैल्यू क्या आई, कम आई। ऐसे पीवी की वैल्यू भी क्या आई, आपकी कैलकुलेट वैल्यू से क्या आई, आपकी कम आई। कम आने का मतलब ये ग्राफ भी नीचे आ गया, ये ग्राफ भी ऐसे आ गया। तो टोटल भी तो मैंने बताया आपको, टोटल भी तो कम हो रहा है,
तो ये किसके लिए लिखा था, ये किसके लिए लिखा था, ए के लिए। तो ये क्या होगा, पी ए इक्वल टू पी ए लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, ये आपका हो गया पी बी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी, और ये आपका हो गया पी एस लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक, बात समझ में आई। उसका ग्राफ अबव था, इसका ग्राफ डाउन हो गया। ठीक, डाउन हो गया। चलिए अब इसके लिए एग्जांपल क्या होंगे, इसके लिए एग्जांपल होंगे ऐसे जिनमें पहले तो कोई इंटरेक्शन हो रही है लेकिन जब मिला दिया तो इंटरेक्शन आ गया। तो इसका अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम, एसीटोन प्लस एचसीएल, एसीटोन प्लस एचसीएल, या एचसीएल छोड़ो एसीटोन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल पेपर में आ रखा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आ रखा है। ये एसीटोन की स्ट्रक्चर है, सबको पता है एसीटोन की स्ट्रक्चर। ठीक, क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर, क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर क्या होगी, अब सीएल क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये क्या करेंगे कार्बन से मांगेंगे, कार्बन के पास कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का नीचे तो हमें इलेक्ट्रॉन देने का होता है, ये इसे इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे, तो इस पे क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ये क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, ये इनसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कार्बन से बॉन्ड टूटेगा, कार्बन से लेगा, ये होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि मैम आपने तो पहले पढ़ा था फोर में होता है, फ्लोरिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में भी होता है, ये केस ऐसा है जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बोल लो वैसे वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड ही प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्ड ही बन रहे हैं। तो देखो पहले दोनों में कोई बॉन्ड नहीं थे, दोनों बेचारे नॉन पोलर थे, दोनों कंपाउंड क्या होंगे इसमें नॉन पोलर होंगे, दोनों नॉन पोलर थे लेकिन जब मिला लिया तो इनमें पोलैरिटी डेवलप हो गई, जब दोनों को मिला लिया तो इसमें क्या डेवलप हो गई, पोलैरिटी डेवलप हो गई, और जब पोलैरिटी डेवलप हो गई तो इन्होंने आपस में इंटरेक्शन किए, और इंटरेक्शन करने की वजह से क्या हुआ, पहले पार्शियल प्रेशर तो क्या था कम था, इंटरेक्शन थे ही नहीं तो पार्शियल प्रेशर कम था, लेकिन जब इंटरेक्शन हो गए तो पार्शियल प्रेशर क्या हो गया आपका ज्यादा हो गया। ये है इसका एग्जाम्पल मैंने बताया एसिड प्लस वॉटर, कोई भी एसिड के साथ वॉटर ले लो जैसे HCl प्लस H2O। ठीक, HCl में इंटरेक्शन थे नहीं होते लेकिन H2O में होते हैं हल्के फुल्के से, हल्के के अच्छे खासे होते हैं, लेकिन जब दोनों को मिला देंगे तो इंटरेक्शन क्या होगा स्ट्रांग हो जाएगा, जब ये इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा वेपर प्रेशर आपका जो है डिक्रीज हो जाएगा, जब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा कौन सा डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। आज लेंथ काफी ज्यादा हो गई, ऐसे ड्रॉप अप नहीं हो पाएंगे फिर आपके समझ में भी नहीं आएंगे, तो एक बार मैं फिर से समराइज कर दूं। आज हमने चैप्टर पढ़े आइडियल और नॉन आइडियल, आइडियल सॉल्यूशन वो थे जो डॉट प्लॉट को फॉलो करते थे, नॉन आइडियल क्या है जो डॉट प्लॉट को फॉलो नहीं करते, सिंपल सी बात है, आइडियल क्या है जो डॉट प्लॉट को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल क्या है जो डॉट प्लॉट को फॉलो नहीं करते। जब नहीं फॉलो करते अब ये क्यों, कौन फॉलो करेगा कौन फॉलो नहीं करेगा हमें कैसे पता चलेगा, देखो दो कंपाउंड मिक्स करने से पहले उनका इंटरेक्शन और मिक्स करने के बाद उनका इंटरेक्शन अगर सेम है तो सोल्यूशन क्या होगा आपका आइडियल होगा, अगर मिक्स करने के बाद इंटरेक्शन में चेंजेस आ गए हैं तो सोल्यूशन आपका नॉन आइडियल होगा। तो आप पेपर में क्या कीजिएगा, अभी आइडियल सोल्यूशन तो अभी लिख लेंगे, एक बार डिफरेंस उतारने के बाद अपने आप लिखेगा आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस, उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस। पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव में क्या होगा पहले इंटरेक्शन ज्यादा था बाद में इंटरेक्शन कम होगा, यानी जो वेपर प्रेशर टोटल था वेपर प्रेशर ज्यादा आया और जो अपने अपने हमने राउंड से कैलकुलेट किया था वो कम आया। ठीक, डेल्टा एच इसमें कैसा होता है, पॉजिटिव में पॉजिटिव होता है यानी कि रिएक्शन कैसी होती है एंडोथर्मिक होती है, कैसी होती है एंडोथर्मिक होती है यानी हीट रिलीज कम होती है एब्जॉर्ब ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम बात करें नेगेटिव की तो नेगेटिव में क्या होगा पहले इंटरेक्शन क्या था नहीं था बाद में इंटरेक्शन बढ़ गया तो जो वेपर प्रेशर आया टोटल वेपर प्रेशर कम आया कैलकुलेट वाला वेपर प्रेशर ज्यादा आया। और डेल्टा एच की बात करें तो डेल्टा एच कैसा होगा आपका एक्टोथर्मिक होगा यानी नेगेटिव होगा यानी फाइनल जो आपकी एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी ज्यादा है
और जो एनर्जी जो एनर्जी दे रहे हैं वो बहुत कम है, लेकिन रिलीज हुई एनर्जी क्या आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है। क्या आ रही है? बहुत ज्यादा आ रही है। तो इसे क्लियर कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक सोल्यूशन को मिलाने के बाद उसको टच करने पे वो बहुत कोल्ड फील हुआ, ठंडा सा फील हुआ। ठंडा मतलब एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब पॉजिटिव डेविएशन। हॉट फील हुआ एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो गया, एक्सोथर्मिक का मतलब हो गया आपका कौन सा, नेगेटिव डेविएशन। कैसा हो गया? नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। और ये लिखा था, एक क्वेश्चन आया था, मिक्सिंग ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो पहले आप बताइए इसमें कौन सा डेविएशन है, नेगेटिव है। नेगेटिव में क्या है, पहले जो मॉलिक्यूल थे वो लूजली हाइड थे, लेकिन जब दोनों में इंटरेक्शन हुआ तो दोनों ने क्या बनाया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिए, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो मॉलिक्यूल थे वो टाइटली हाइड हो गए, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन है, व्हाई इज लिक्विड अमोनिया बॉटल फर्स्ट कूल इन आइस बिफोर ओपनिंग इट। भाई अमोनिया की बॉटल को एकदम से गर्म नहीं करते, पहले कूल कर लेते हैं। देखो हमने उसे कूल करा, अगर हम एकदम से करेंगे तो क्या होगा, स्प्लैश आउट हो जाएगी, फैल जाएगी। पहले हम उसे ठंडा कर लें, ठंडा करने से उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो गया, जिससे उसकी वेपर बनी कम हो गई। तब हम उसे खोलेंगे तो एकदम से स्प्लैश आउट नहीं होगी, लेकिन अगर हमने तुरंत खोल दी तो स्प्लैश आउट होगी, हमारे मुंह पे आएगी, आंखों पे लगेगी, तो दिक्कत होगी, ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं तक है, एजोट्रोप हम नहीं करा पाए। और एक था स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, के हेनरी लॉ और रॉड लॉ कब सेम हो जाते हैं वो भी, तो वो कल के लेक्चर में करेंगे। बेटा इसे ध्यान से पढ़िए, अगर आपको ये समझ में आता है वीडियो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है बेटा। ओके बेटा, गुड बाय, टेक केयर।